गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 4 एक्सपोनेंट एक्सरसाइज 4.2। ओके, तो 4.2 हमारा क्या है? ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हमने। 4.1 जो अभी आपकी पहली वाली वीडियोस थी, इसका पार्ट 1 था, उसमें हमने देख रखा है। ये पार्ट 2 है, इसमें पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस पढ़ेंगे और कुछ स्पेशल केसेस भी। जैसे अभी हमने पीछे वाली क्लास वीडियो में आपको बताया था अगर कि आपकी पावर ना पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। जैसे कि क्या था आपकी पावर, क्या थी? जैसे था a बाई पी होल पावर क्या था, माइनस m। आप क्या करते हो, उसका रेसिप्रोकल या इसको रिवर्स कर दोगे तो ये पावर जो है पॉजिटिव बन जाएगी। b बाई a लिखने पर ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो वैसे ही अगर आपको दिया हो a की पावर ना, रेसिप्रोकल निकालना रहता है। अगर आपको दिया हो a की पावर क्या, माइनस m, आप क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल लोगे, 1/a कर दोगे, इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। बात समझ में आई? और आपको याद है a की पावर 0 इक्वल 1 होता है। ये तीन केस आप अच्छे से याद रखेंगे। और इसके साथ साथ आप क्या, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो आपके 6 थे ना लॉ, उन्हें याद रखेंगे तो आपका ये 4.2 भी इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जानने से पहले हम रूट के बारे में जानेंगे थोड़ा। रूट क्या होता है? आपको पता है अगर कोई भी नंबर है, कोई भी निगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर, अगर उसका रूट लगा है दैट मीन्स उसकी पावर होती है 1/2। जैसे लिखा है यहाँ पे √15, ये क्या लिखेंगे, 15 raised to the power 1/2। बात समझ में आई? इतना आपको पता ही होगा। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर बी दिया है क्या, 3√443, यानी ये क्या है, इसका हो जाएगा 43 raised to the power 1/3, यानी हाफ होगी। रूट क्या होता है, हाफ होता है, और जो भी आपका आगे लगा है आप कर दोगे। सी क्या है, 6√19, तो हो जाएगा क्या, 19 raised to the power 1/6। कैसे लिखेंगे यहाँ पे, सी वाला क्या है, 6√, ये रूट के अंदर है ना, बाहर नहीं है, रूट के अंदर है 19। तो इसको लिखेंगे क्या, 19 raised to the power 1/6, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रहा है क्या, एक्सप्रेस एस रेडिकल्स। रेडिकल्स मतलब क्या, रूट इसको बनाना है ना, इसका रिवर्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने रूट से क्या बनाया, इसको एक्सपोनेंट में चेंज किया, अब इसे एक्सपोनेंट से हम रेडिकल्स रूट में बनाएंगे, रिवर्स है। तो ये इसे कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन इसका भी हम देखते हैं। जैसे दिया 6 raised to the power 1/5, तो इसे लिखेंगे क्या, 5 किस में होगा आपका, रूट में होगा 6। समझ में आया? इस तरीके से आप कर लेंगे इसके भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसे करने के लिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ में आप बता देते हैं। क्वेश्चन हम लेते हैं क्या, लेते हैं हम क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर डी है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर डी, 6 × −36 raised to the power क्या है यहाँ पे, −1/2 मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पे, फिर से या माइनस नहीं है, सॉरी यहाँ कुछ नहीं है, साइन नहीं है यहाँ पे, फिर क्या है आपका 36 आगे का क्वेश्चन 3/2 ऐसा क्वेश्चन दिया ना, 6 × ब्रैकेट है 36 raised to the power 1/2 माइनस में फिर 36 raised to the power 3/2 से करना क्या है। सबसे पहले हमें बेस सेम करनी होगी। अगर ये क्या है यहाँ पे दे रखा है 6, तो हमें इसे भी 6, इसे भी 6 बनाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 36 है ना, इसका फैक्टर निकालेंगे। आपको पता है कि ये इसका 6 का होता है, 6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो इन्हें करने का तरीका 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर, ऑलरेडी 1/2 है, −1/2 पहले से ही है, ठीक है। फिर एक आपका क्या है यहाँ पे भी 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 3/2। इतना आया सबको? इस बेस को हमें क्या करना था, इक्वल करना था। 6 ऑलरेडी था यहाँ पे, यहाँ पे 36 था, यहाँ 36, तो हमने इसका क्या किया, फैक्टर किया, तो ये 6 की पावर 2 बन गया। फिर आपको पता है ये टू कैंसिल। आपका थर्ड स्टेप में क्या होगा, 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई 6 की पावर क्या है बेटा, यहाँ पे −1 बची है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 की पावर 3, इतना आपके पास बचा है ना, इतना बचा है। अब आपको पता है
कि मल्टीप्लिकेशन यानी बेस सेम है तो आपको पता है पावर्स जो भी है वो ऐड हो जाती है। 6 की पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1। पावर्स क्या होगी, एक दूसरे से जुड़ जाएगी। आगे का हम यहाँ पे देखते हैं, 6 था मल्टीप्लाई बाई 6 की पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 6 की पावर 3। यह आपका एक्सपोनेंट का फर्स्ट वाला लॉ लगेगा, 6 की पावर क्या हो जाएगी 1 ना माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे साइन है, फिर प्लस 3, 1 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका 6 की पावर 3। अब इसको आप एक्सपेंड करते हो, एक्सपेंड करते हो तो 6 × 6 × 6 कितना हो जाएगा, 6 × 6 = 36 एंड 36 × 6 = 216 कितना आएगा, 216 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी इस तरीके से करना है। बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर आप कहाँ तक करेंगे, 5 तक, ठीक है ना। 4.2 एक्सरसाइज भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। आगे के भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार, आगे में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है सिंप्लीफिकेशन, पता है रूट है तो इसको पावर में चेंज कराएंगे। याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने से पहले स्टेप आपका 1 होना चाहिए कि बेस सेव करना, देन आप उसका रूट हटाएंगे, पावर्स में एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे, एक्सपोनेंट में आ जाता है तो उसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करने के बाद आप सिंप्लीफाई करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरीके से दे रखा है, पावर्स हैं तो आपको इसको पावर्स को खोलना पड़ेगा, देन आप इसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 5 का करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर बी हम करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर बी आपको दे रखा है, यहाँ पे बी दे रखा है क्या, 1 की पावर 1 रेज टू द पावर 3 प्लस 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 3 रेज टू द पावर 3, इसकी होल पावर क्या है, -5/2, ये आपको दे रखा है। तो आपको पता है ये इन सब की पावर है, जो होल है ना ये इन सब की पावर है। तो इन्हें कैसे लिखेंगे हम, अगर हम ब्रैकेट सॉल्व करें, सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमारा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे क्योंकि अंदर तो कुछ जुड़ नहीं पाएगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो इसको लिखेंगे क्या, 1 कितनी टाइम्स है यहाँ पे, 1 की पावर 3 दैट मीन 1 ही होगा, 2 की पावर 3 2 × 2 × 2 3 टाइम्स, तो 2 × 2 = 4 एंड 4 × 2 = 8। ओके, फिर आपका 3 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स यानी 3 × 3 × 3 यानी 3 × 3 = 9 3 × 2 = 27। हमने इसको सॉल्व कर लिया, इसकी पावर कितनी थी बेटा, 5/2। अंदर वाली चीज़ें क्या है, सब ऐड हो रही है, 27 + 1 = 8 = 28। अब 28 में आप क्या ऐड करोगे 28 में 8 कितना आ जाएगा हमारा, ये सारा ऐड करने पे आएगा हमारा 36 रेज टू द पावर -5/2। इतना करोगे आप, अब इसे हम क्या कर सकते हैं, इसको और छोटा बना सकते हैं। तो ये हम आपको याद ही हो गया होगा कि 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो 6 का स्क्वायर ये बन गया। ऑलरेडी आपके पास कितनी पावर है, -5/2, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, 2 से कैंसिल, यानी 6 की पावर बनी क्या हमारे पास, -5। इतनी बची हमारे पास क्या, 6 की पावर -5। अब अभी हमने सिखाया है आपको, आगे का देखते इतना आपका हो जाएगा आगे का। अभी हमने आपको बताया कि अगर a की पावर क्या हो, -m हो, तो आप लिखते हो क्या, 1/a की पावर m। ऐसे ही क्या है, 6 की पावर कितनी थी हमारे पास, -5 थी, तो इसको हम लिखेंगे क्या, 1/6 की पावर 5। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे क्या, 1 6 को 5 times 2 3 4 and last 5, इसको सॉल्व कराएंगे कितना आएगा, 6 6 = 36 ना, फिर 36 6 = 216, ऐसे ही हम 216 का 6 में कराएंगे, फिर जो आएगा यहाँ पे आंसर आपका आएगा कितना, आंसर आपका आएगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा कितना, 776। बाकी भी क्वेश्चंस आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, नहीं 777 है यहाँ पे, ये आपका आंसर हो गया। बाकी के क्वेश्चन नंबर आप क्या 6 7 भी आप देख लेंगे तो आपका 4.2 भी सॉल्व हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन एंड 4.2 के क्वेश्चन अच्छे से सीखने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। मैंने आपको सारे लॉ बता दिए हैं और सारे जो स्पेशल केसेस थे वो भी बता दिए, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दिए। तो आप प्रैक्टिस करिए, अगर क्वेरी होती है तो आप पूछेंगे। ओके, थैंक यू।